हेलो दोस्तों, आज से 4.5 अरब साल पहले बने इस पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों अथवा एस्टेरॉयड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे गर्म पृथ्वी का ठंडा होना हो या फिर मौजूद पानी, सभी एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर गिरने से ही बने। एक प्रकार से कहा जाए तो जीवों की उत्पत्ति इन्हीं एस्टेरॉयड के चलते हुई। वहीं दूसरी ओर आज से 6 करोड़ साल पहले इन्हीं एस्टेरॉयड के चलते पूरी डायनासोर की प्रजाति का नाश हो गया। दरअसल हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कई उल्काएं पृथ्वी पर गिरती रहती हैं, पर आकार में छोटे होने के कारण वह पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, जिसमें असंख्य एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं तो कुछ इतने बड़े होते हैं कि एक ग्रह को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। अब चिंता की बात यह है कि एस्टेरॉयड 1998 OR2 नाम का एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर करीब 37,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है तथा नासा ने यह अनुमान लगाया कि यह 29 अप्रैल 2020 को पृथ्वी के बहुत ही करीब होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एस्टेरॉयड आकार में 13,500 फीट व्यास का है, जो कि हिमालय पर्वत के आकार से भी बड़ा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या 29 अप्रैल 2020 ही वो तिथि है जिस दिन हमारी ये दुनिया समाप्त हो जाएगी? कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा संभव है कि जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के सबसे न्यूनतम दूरी पर होगा, तब गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से हिमालय पर्वत से भी बड़े साइज का ये एस्टेरॉयड धरती को हिट करेगा और बहुत ही बड़ा विनाश हो जाएगा। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरती है तो संपूर्ण मानव जाति का डायनासोर की तरह ही विनाश हो जाएगा। पर कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक नासा के वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से करीब 60 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा, जिस कारण वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से काफ़ी दूर होगा और वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा। हालांकि कुछ जगहों में मौसम बिगड़ने के आसार हो सकते हैं या फिर समुद्र में ज्वार भी उत्पन्न हो सकता है, पर हमारी पृथ्वी को इस एस्टेरॉयड से खतरा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही साइंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से